हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ निसर के स्वामी एंड आई हैव टेकन द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव सब्जेक्ट इन सिक्स सेमिस्टर। सो स्टार्टिंग डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड क्रेडिट इज़ फॉर थ्री लेक्चर्स इन वीक एंड वन इज लैब प्रैक्टिकल इन वीक। ओके, सो देर आर सिक्स चैप्टर, सॉरी सेवन चैप्टर इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। सो फर्स्ट नंबर मॉड्यूल इज डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल। ओके, एंड सेकंड चैप्टर इज सेकंड मॉड्यूल इज चॉपर फेड डीसी ड्राइव। ओके, सो व्हाट इज चॉपर? तो चॉपर इज अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, फर्स्ट चॉपर इज अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फिक्स डीसी इंटू वेरिएबल डीसी। ओके, सो इन दिस चैप्टर स्टडी अबाउट चॉपर फेड डीसी ड्राइव। ओके, सो चॉपर हम मॉड्यूल टू में चॉपर के बारे में स्टडी करेंगे इन शॉर्ट। ओके, सो मॉड्यूल नंबर थ्री मल्टी क्वाड्रेंट डीसी ड्राइव। ओके, सो मल्टी क्वाड्रेंट डीसी ड्राइव में एक्चुअली होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। ठीक है, सो सिंगल क्वाड्रेंट में क्या होता है, टू क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दो क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। ठीक है, मॉड्यूल फोर क्लोज लूप। ओके, सो किसी भी डीसी किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्लोज लूप सिस्टम हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए। तो मॉड्यूल फोर हमारा क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव। ओके, सो क्लोज लूप कंट्रोल हम डीसी ड्राइव में लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी सेंसिंग, हम जो भी पैरामीटर कर रहे हैं उसके जरिए हम उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अगर ओपन लूप है तो हमें कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन क्लोज लूप है इलेक्ट्रिक ड्राइव की तो क्या होगा, हमारे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर आफ्टर मॉड्यूल फाइव इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो इंडक्शन मोटर हमारी क्या है, एसी मोटर है। आगे हमने बात की डीसी मोटर, ठीक है, तो डीसी मोटर के बारे में हम अब हम बात करेंगे मॉड्यूल फाइव से इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स इंडक्शन मोटर के टाइप्स, स्क्विरल गेज, स्लिप रिंग, स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, एप्लीकेशन मॉड्यूल नंबर फाइव। देन मॉड्यूल नंबर सिक्स में क्या होगा, स्केलर कंट्रोल एंड कॉन्स्टेंट वी बाय एफ कंट्रोल। इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल में कौन कौन सी दो टेक्निक्स है, हम वो इंप्लीमेंट करेंगे मॉड्यूल सिक्स में। ओके, देन आफ्टर मॉड्यूल सेवन कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब लास्ट मॉड्यूल में क्या है कि हम स्लिप रिंग इंडक्शन, दो टाइप्स की इंडक्शन मोटर आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरल गेज एंड दूसरी स्लिप रिंग वाउंड मोटर। ठीक है, तो स्लिप रिंग में क्या होता है कि हम कंट्रोल उसका कर सकते हैं विद एक्सटर्नल एडिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो हम उसका स्पीड कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं वो हम फाइंड करेंगे मॉड्यूल नंबर सेवन में, कि हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसकी हम स्पीड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके हिसाब से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, इसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स मिलेंगे, डिफरेंट कन्वर्टर्स के यूज़ करके हम इसका स्पीड कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सेवन मॉड्यूल जो हम पूरे इलेक्ट्रिकल ड्राइव में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता क्या है, कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव पूरा हमें फिनोमिना है, पूरा हमारा क्या है टॉपोलॉजी, हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड कॉम्पोनेंट, कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल ड्राइव फिनोमिना या टॉपोलॉजी, ठीक है, होता क्या है। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम और उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन करो, चार मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, 99% चांसेस है कि आपको जीटीयू के एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो सिस्टम विच कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर नॉन इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ओके,
कि हमारी कोई किसी भी एक सिस्टम ले लो, उसमें मोटर का हम कंट्रोल करते हैं, जनरेटर का कंट्रोल करते हैं, इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, हम क्या करते हैं मोशन कंट्रोल मीन्स उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं और उसको हम सिस्टम में जोड़ते हैं, तो पूरा का हमारा टोपोलॉजी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के जरिए हमको उसको पहचाना जाएगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, मैकेनिकल लोड है, कंट्रोल यूनिट, सेंसिंग यूनिट, फीडबैक के जरिए हम पावर मॉड्यूलेटर में देते हैं, तो पूरा क्या क्लोज लूप एक सिस्टम हमारा हो गया, जिसमें हमने क्या जोड़ा है, मोटर जोड़ा है, मोटर में आउटपुट में क्या जोड़ा है, मैकेनिकल लोड शाफ्ट में, जो क्या करेगा उसकी मोटर की कंट्रोल करेगा मोशन को, मीन्स स्पीड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि 2000 आरपीएम है लेकिन हमें चाहिए 1500 आरपीएम, तो क्या करेगा मोशन को कंट्रोल करेगा विद द यूजिंग ऑफ सेंसिंग यूनिट, विद द सेंसिंग यूनिट का इनपुट कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के जरिए पावर मॉड्यूलेटर में जाएगा, देन आफ्टर कंट्रोल द स्पीड ऑफ एनी मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, वॉट एवर वी आर यूजिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोर्स क्या है, एसी और डीसी सोर्स है, एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई है, डीसी बैटरी है या फिर अल्टरनेटिव करंट, एसी सोर्स है। ठीक है, सो पावर मॉड्यूलेटर क्या होता है, पावर मॉड्यूलेटर का हमारे यहाँ पे दो फंक्शन है कि पावर मॉड्यूलेटर हमें दो फंक्शन के लिए यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टर, हमारा कन्वर्टर के फंक्शन की तरह यूज होता है पावर मॉड्यूलेटर, कि हमारी इलेक्ट्रिकल रिसीव फ्रॉम द सोर्स इन फॉर्म सुटेबल ऑफ मोटर, अगर मान लो कि हमारी मोटर डीसी है लेकिन हमारा सोर्स एसी है, तो क्या करेगा पावर मॉड्यूलेटर, एसी का हम डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी मोटर में देगा, अगर मान लो कि हमारी एसी मोटर है और डीसी सप्लाई है, तो क्या करेगा डीसी का पावर मॉड्यूलेटर एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो पावर मॉड्यूलेटर का एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है कि दूसरा फंक्शन है कि सोर्स डीसी एंड इंडक्शन मोटर यूज सो कन्वर्ट डीसी इनटू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी। ओके, और दूसरा फंक्शन क्या है कि उसका क्या करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट उसको चाहिए मोटर में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में वो ऑपरेट होगा वो तय करेगा कि पावर मॉड्यूलेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टर के जरिए और दूसरा क्वाड्रेंट फाइंड करेगा। ठीक है, पावर मॉड्यूलेटर, थर्ड इज मोटर, मोटर इज कॉमनली यूज एसी मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, ओके, कंपाउंड शंट मोटर, ठीक है, सीरीज, परमानेंट मैग्नेट, स्क्विरल केज, वाउंड मोटर्स, स्लिप रिंग, ओके, डीसी एसी, ओके, वॉट एवर मोटर में हम हमारी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन हमारे एप्लीकेशन हम कोई भी मोटर हम यूज़ कर सकते हैं, हमें कौन सी एप्लीकेशन में चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए चाहिए या हाई स्पीड के लिए चाहिए। ठीक है, लोड इज यूजुअली मशीनरी डिजाइन टू परफॉर्म अ गिवन ऑपरेशन, फैन, मशीन टूल्स, पंप, होस, ओके, लोड में हम क्या करेंगे, मोटर के जो शाफ्ट होते हैं उसमें हम क्या करें कनेक्ट करेंगे, फैन, पंप, होस, ओके, किसी भी मैकेनिकल लोड हम शाफ्ट में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा लोड क्या होगा, काम करेगा विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, ओके। सेंसिंग यूनिट इज एम्प्लॉय फॉर सेंसिंग द ड्राइव पैरामीटर फॉर स्पीड, वोल्टेज एक्सेट्रा। ओके, तो सेंसिंग यूनिट क्या होता है कि मान लो कि मोटर में खराबी आए कि या पूरी सिस्टम में खराबी आए कि, तो सेंसिंग यूनिट क्या करेगा, जो मोटर की स्पीड को सेंस करेगा कि कितना स्पीड है, कि अगर मान लो कि 1500 आरपीएम है हमें चाहिए 1200 आरपीएम, तो क्या करेगा कि 1500 आरपीएम सेंस की वो कंट्रोल यूनिट को देगा, यहाँ से इनपुट कमांड देगा और यहाँ पे पावर मॉड्यूलेटर में वो फंक्शन देगा कि 1200 आरपीएम चाहिए, तो 1200 आरपीएम का यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, तो इसकी मोटर की स्पीड 1200 आरपीएम सेट हो जाएगी। ठीक है, तो सेंसिंग यूनिट क्या करेगा, इसके मोटर के पैरामीटर को सेंस करेगा कि हाँ 5 एम्पियर करंट है, ओके, 4 kW पावर है। ठीक है, तो उसके पैरामीटर को सेंस करेगा, एंड कंट्रोल यूनिट द पावर मॉड्यूलेटर बिसाइड द जनरेटिंग कमांड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर एंड पावर मॉड्यूलेटर। ओके, सो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि मोटर में हमने जो भी सिग्नल दिया है उसको सेंस करके वो आगे भेजेगा विद द यूज ऑफ इनपुट कमांड,
एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ मोटर एंड पावर मॉड्यूलेटर. ओके, सो डीसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर लाइक डीसी, एसी, इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट, डीसी सीरीज, शंट, कंपाउंड. ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर आर एम्प्लॉयड इन डीसी ड्राइव. ओके, सो मोटर हमारी होती है, वो मोटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मोटर में उसका ईएमएफ या टॉर्क, स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर. ओके, सो आज हमने बात की पूरे इलेक्ट्रिकल ड्राइव के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, सो आई हैव कंक्लूड लेक्चर हियर एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. थैंक यू.